स्वामी जी, देखिए आपने सूर्य नमस्कार की शुरुआत तो कर ही दी बहुत है सहजता से, और हर दिन आप ये कहते हैं कि अगर एक सूर्य नमस्कार भी कर लिया जाए तो सेहत के बहुत सारे जो उपहार हैं वो केवल एक सूर्य नमस्कार से मिल जाते हैं। लेकिन स्वामी जी, एक स्टडी का जिक्र करते हुए, 20 से 30 साल के लोगों को हाई बीपी सता रहा है, ऐसे लोगों को योग के साथ साथ और क्या करने की जरूरत है ताकि वो क्रॉनिक बीपी के मरीज ना बने, और बीपी शुरुआती दौर में अगर है तो वहीं से वो कंट्रोल हो जाए। आप तो क्योर करने की बात कहते हैं। एकदम आपने ठीक कहा मीनाक्षी जी, यंग एज में बीपी का होना ये बात ही चिंता में डालता है, फिर आदमी तोड़ने से भी डरता है, व्यक्ति कोई बड़े साहसी कार्य करने से भी डरता है, उसको ऐसा लगता है अब तो मेरे को बीपी हो गया, दौड़ूंगा तो कहीं बीपी ना बढ़ जाए, खेलूंगा तो बीपी ना बढ़ जाए। ये भ्रम है, ये मिथक है कि दौड़ने से, खेलने से, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से बीपी बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से तो बीपी नॉर्मल होता है, लेकिन इसको धीरे धीरे करें, ऐसा नहीं कि पहले ही दिन से जो है 50 की स्पीड से 30-40 की स्पीड से दौड़ने लग गए। तो खैर, पहले दिन प्राणायाम से शुरुआत करें, अंत में भी हम कराएंगे। जो ये जो हम बता रहे हैं ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वो भस्त्रिका करें, कपालभाति करें धीरे धीरे, शीतली शीतकारी करें, पांच पांच बारी कर लें, शीतली शीतकारी पांच पांच मिनट अनुलोम विलोम, और पांच पांच बार ब्रह्मरुद्र गीत कर ले, करते ही इंस्टेंट बेनिफिट मिलेगा, करते ही बीपी नॉर्मल। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ, तो करते ही इंस्टेंट बेनिफिट, एकदम से लाभ। अब ये जो खड़े होकर के आसन बताए, उसके अलावा बीपी के लिए दो आसन बैठ करके बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक का नाम है शशक आसन, वज्रासन में बैठ गए और हाथ ऊपर उठाए, आगे झुक गए, थोड़ी देर इस स्थिति में रुक जाते हैं। ये दो तरह से किया जाता है, एक में घुटने ऐसे पास में थे, दूसरे में ऐसे घुटने दूर कर लेते हैं और फिर आगे ऐसे झुकते हैं। पहले में माथा जमीन पर टिकाया था, थोड़ी जमीन पर, छाती जमीन पर टिकेगी, पेट भी जमीन पर टिक जाएगा ऐसे। एक तो ये शशकासन और दूसरा गोमुखासन, ये बीपी को भी ठीक करता है और स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। इसका तरीका ये है, पहले बायां पैर ऐसे मोड़े, फिर दाहिना पैर उस पैर के ऊपर रख दे तो घुटने पर घुटना आ जाएगा, दोनों पर ऐसे मुड़े हुए। जिनका शरीर थोड़ा हल्का फुल्का है वो ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे एड़ी के ऊपर बैठ गए, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर से लिया, दूसरा हाथ पीछे से लिया और ऐसे पीछे पकड़ लिया ऐसे, और इसी में ही सहज रूप से भस्त्रिका, सहज रूप से कपालभाति, इसी में ही शीतली शीतकारी, नमक मिर्च मसाले तीखे तले हुए पदार्थ बंद कर दे, नींद अच्छी ले, थोड़े प्रसन्न रहें, और सोने का समय कम से कम 5-6 घंटा जरूर रखें, कितने ही व्यस्त हो जाए। कुछ लोग तो 7-7, 8-8 घंटा सोते हैं, 6 घंटे की संतुलित नींद होती है, और सोने से पहले भ्रामरी उद्गीत कर ले, ओंकार गायत्री का जप कर ले, इष्ट देवता का ध्यान कर ले तो मन एकदम शांत रहता है, नींद अच्छी आनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।